गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ गरिमा मिश्रा, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का पाठ एक प्रकृति की छटा नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं। कवि ने इस कविता में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और बताया है कि ईश्वर ने किस प्रकार प्रत्येक चीज़ को कितनी खूबसूरती से बनाया है और इसकी सुंदरता किस प्रकार हम सब का मन मोह लेती हैं। विभिन्न तरह के पशु पक्षी, पर्वत, झरने, फूल, वन, सरोवर आदि हमें सब एक साथ मिलकर रहने का संदेश देते हैं और सदा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों, अब हम कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे, आप सभी मेरे साथ साथ इसको दोहराइएगा। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुघड़ाई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। बच्चों, यहाँ जग मतलब संसार, सुघड़ाई मतलब सुंदर बनावट, चतुराई ईश्वर की चतुराई से यहाँ तात्पर्य है उसकी कुशलता। अगर हम ध्यान लगाकर इस संसार को देखें तो ईश्वर ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है और हर बात में ईश्वर की कुशलता झलकती है। यह सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग रंग के फूल, यहाँ बन की लहलही लता, नव ललित ललित शोभा का मूल। यहाँ पर जो भांति भांति का मतलब है तरह तरह के, ये सब भांति भांति के पक्षी मतलब इस जग में, इस संसार में तरह तरह के पक्षी हैं, ये सब रंग रंग के फूल, और फूल भी बहुत ही प्रकार के हैं, कोई हरा, कोई लाल, कोई नीला। यहाँ बन की लहलही लता, बन मतलब जंगल, लहलही मतलब लहराती हुई, वन में लहराती हुई लताएं, नव ललित ललित शोभा का मूल। यह सब ललित मतलब सुंदरता का मूल मतलब आधार हैं। यह रंग बिरंगे पक्षी, तरह तरह के फूल, वन में लहराती हुई लता, यह सभी सुंदरता एवं शोभा का आधार हैं। ये नदियां, ये झील, सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से कानों में गूंजती कोयल की कूक। ये नदियाँ, झील, सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, कमल के फूल पर भौरों का गूंजना और कानों में कोयल की कूक। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कोयल सबसे सुरीला गाने वाला पक्षी है, जिसके बोल हमारे कानों में मिश्री सा घोल देते हैं। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार, उनमें से मेघों के मंडल हो अनंत उत्पन्न अपार। समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार, जलमय मतलब जल से भरा हुआ, विस्तार मतलब फैला हुआ। जैसा कि बच्चों आपको पता है समुद्र इतना विशाल होता है जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। पृथ्वी तल पर जो उसका जलमय मतलब जल से भरा हुआ, वो जो फैला हुआ है, उनमें से मेघों के मंडल हो अनंत उत्पन्न अपार। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अपार मतलब असीम या बहुत। और पृथ्वी तल के ऊपर जो मेघों के मंडल, मेघों मतलब बादलों का समूह है जिसका कोई अंत नहीं है, जो असीम है। गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार, इसमें दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। घन मंडल मतलब बादलों का समूह, जब गर्जन करते हैं
संचार मतलब गति, वर्षा और बिजली। अगर हम बादलों का गरजना, वर्षा, बिजली की गति आदि सब देखें तो इसमें परमेश्वर की लीला मतलब उसका उसकी बनावट, उसका खेल, उसमें अद्भुत अपरंपार दिखाई देगा। श्रीधर पाठक जी ने इस कविता में प्रकृति के प्रत्येक चीज़ में ईश्वर की कुशलता एवं उसको बनाने के तरीके पर बहुत जोर दिया है और उसकी सुंदरता का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया है। बच्चों, आप इस कविता को एक दो बार और पढ़िए। इसकी प्रथम 8 पंक्तियों को याद करिए और इसके शब्दार्थ को भी लर्न करिए। थैंक यू।